अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अब्दुल कासिम एक बर्ड। उम्मीद है कि आप सब भाई खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी खैरियत से होंगे। आपका भाई काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से व्लॉग को स्टार्ट करने जा गया है, तो माइंड बना गए थे कि इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उससे पहले मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो इसलिए कि मैंने तो 2-3 महीने के लिए अपना चैनल बंद कर दिया था, मैं कोई व्लॉग नहीं बना रहा था, मगर आप सब भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरा चैनल माशाल्लाह से 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए हैं, और इसके आगे मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, और जिन्होंने अभी तक सपोर्ट नहीं की, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो जल्दी से मेरे चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, तो उनका भी एडवांस शुक्रिया। अगर आप भाई मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद ही आपका भाई फिर दोबारा विभाग में ना आता, जिस तरह से आज ठहरा हुआ है। मैं बिल्कुल भी विभाग ना बनाता, मगर आप भाई ने सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेशन हुई है, तो फिर इससे आपका भाई दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर गया है। तो सबसे पहले भाई आपको मैं विजिट करा देता हूँ अपने सेटअप का। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अपनी मुर्गियों को, ये देखें हमारी मुर्गियाँ। ओए कहाँ गई ये, तो भाई जगह भी साफ हो गई, ये क्या हो गया जी भाई। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ थी, मगर अब नहीं है। और उसके बाद हम देखने जा रहे हैं अपनी बकरियों को, ये देखें हमारी बकरियाँ, ठीक है ना, नहीं है भाई बकरियाँ भी नहीं है, ये क्या जगह साफ हो गई। वे ये देखे भाई, ये जगह भी साफ हो गई, हमारी बकरियाँ यहाँ पे नहीं है, ये पूरी जगह साफ हो गया। और उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जहाँ पे हमारी मुर्गियाँ ठहरती थी, ये देखे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कुछ भी अंदर नहीं है। और ये दूसरे भी ऐसे, और तीसरी में कुछ सामान रखा हुआ है, और ये चौथा केज भी खा गया, इसमें भी सामान रखा हुआ है, इसमें भी सामान पड़ा हुआ है, मुर्गियाँ नहीं है यहाँ पे भी। आपने वीडियो में देखा है कितनी ज़्यादा मुर्गियाँ थी, मगर अब नहीं है। और हमारे पिज्जा जो उसे देखे भाई, कबूतर तो रखा हुआ है, कबूतर नहीं है। और ये देखें उनके जो घाग थे ना, कैसे टूट गए हैं। तो हमारे इसका मतलब है पिजन्स भी नहीं है, आपने वीडियो में देखा है पिजन्स बैठे हुए थे, मगर आप पिजन्स भी नहीं है। ये तमाम जगह साफ हो गई, ये देखे कुछ भी नहीं का बाकी। अभी मैं आपको अंदर दिखाने जाऊँगा, अंदर ही क्या क्या हो गया है, ये तो बैग का मोहर था, अंदर देखते हैं। ए भाई सबसे पहले हमारा मिनी के जहाँ पे मगर बहुत ज़्यादा परिंदे रहते थे, मगर आज कुछ भी नहीं है, ये देखें। और ये नीचे वगैरह के ये देखें, बॉक्स लगे हुए हैं मगर कुछ भी नहीं है। ये हमारे चाइना डब का केस था, ये भी खाली हो गया है। कोई चाइना डब, कोई फिंचेस, कोई बर्ड्स बाकी नहीं रहेगा, ये देखें कुछ भी नहीं बचा बाकी। भाई दो मुश्किलों से जो मैंने बर्ड्स अपने पास रखे हुए हैं, वो ये 3-4 बर्ड्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 3 कॉकटेल के पैकेट्स बैठे हुए हैं, ये भाई 2 बच्चे थे पीछे आगे, हमारे जो ग्रीन किंग का जो पेयर था ना, अभी ये बॉक्स के अंदर चला गया, इसने एग दिए थे 4 एग, वो वीडियो मैंने बनाई थी, मगर जब बच्चे निकले थे ना उस वक्त, क्योंकि मैं बिगाड़ नहीं बना रहा था, तो आपको मैं नहीं दिखा पाया कि हमारे ग्रीन किंग के पैकेट्स ने बच्चे भी निकाल दिए हैं। तो 2 बच्चे निकले थे, 4 एग थे, उनमें से 2 बड़े हो गए थे भाई, काफ़ी बड़े खाते उगते थे, अगैदा केज में आ गए थे, इस केज में मैं उनको बिठाया हुआ था। तो एक दिन जब मैं ऊपर गया तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी ना, वो पिछड़ा मर गया, तो फिर मैं इनको नीचे गई गया था, फैन के नीचे रखता था, और अब मौसम ठीक हो गया है माशाल्लाह से, और हमारे बर्ड्स देखे फिर से ऊपर आ गए हैं। बस ये 3-4 जो बर्ड्स हमारे पास बच गए हैं, बाकी कोई नहीं बचा। अब ये भी मैंने बहुत मुश्किलों के साथ अपने पास रखे हुए हैं, मगर ना ये भी ना होते, और ये ना होते तो फिर आज पूरा सेटअप खा गए। तो हो गए याद आ गई मुझे बात, याद आ गई हमारे पास एक पिकॉक था, मोरनी हमारी पैगे तो एक मर गई थी, दूसरी एक बच्ची हुई थी भाई, उसने हमें धोखा दिया है काफ़ी, हमने उसे खोज दिया था, वो ऐसे उगती रहती थी यहाँ वहाँ। ये जो सामने आप हाउस देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे एक पिजन भी बैठा हुआ है, वो देखें, तो यहाँ ये ऊंची जगह है ना, तो यहाँ पे हर चीज़ें बैठ जाती हैं। हमारा जो पिकॉक था ना, वो शाम को वहाँ पे सोता था और सुबह को अपने सेटअप पे आ जाता, हमने कहा कोई बात नहीं, उगता कहता है सेटअप पे तो वापस आ ही जाता है। तो एक दिन ऐसा हुआ भाई, मौसम ठंडा था, बादल बने हुए थे, हमें पता नहीं था, और वो कोई धूल चला गया, जब हम उसे पकड़ने गए तो काफ़ी 2-3 घंटे हम उसके साथ बैठे गए, वो कहीं नहीं गया। फिर हम थोड़ा सा घर वापस आए, और फिर जब वापस गए देखने तो पिकॉक हमारा नहीं था, और जिस नेबर के घर बैठा हुआ था उनसे भी पूछा, उनने कहा हमें पता नहीं है।
तो वो हमारा पिकॉक भाई कितना बड़ा हो गया था, खूबसूरत भी हो गया था। मैं उसका करीब छोटा सा ऐड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। वो है मेरे पास पैगे का करीब, मगर अब का नहीं है, जब ये निकल गया था उसकी टेग बड़ी हो गई थी, बहुत खूबसूरत हो गया था, साइड पे बाग निकल गए थे। तो वो पिकॉक हमारा बेचारा ऐसे ही गुम हो गया, बस ये पैकेट्स बचे हुए हैं। तो इंशाल्लाह से फिर से आपका भाई स्टार्ट, जैसे आपके भाई ने व्लॉगिंग कर दिया है तो इसी तरह से आपका भाई दोबारा से बर्ड का कहेगा अपने सेटअप के, जैसे पैगा मगर सेटअप बगा हुआ होता था तो वैसे एक दफा भाग जाएगा। बस आपने सपोर्ट करनी है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और बाकी भाई मैं इन तीन पैकेट्स को अभी लेके जाता हूँ दुकान वगैरह के पास, उस भाई के आपको बर्ड्स दिखाऊंगा, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो जाएगी आप भाइयों को, आप उनके बर्ड्स देख लीजिएगा। और हमारे ये तीन जो पैकेट्स बैठे हुए हैं ना, इनका कंफर्म हो जाएगा ये मेल फीमेल क्या है, कुछ पता नहीं है, तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। आपका भाई आपको अब व्लॉग के अंदर ना कभी भी बोर नहीं होने देगा, बस आपने एंटरटेनमेंट करनी है। मैं आपको इतने अच्छे अच्छे बर्ड दिखूंगा, हमारे पास तो बहुत थोड़े से बर्ड गए हैं तो इनसे तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती, इनसे का बहुत ज़्यादा बर्ड्स गएंगे। और कुछ दिन हम ऐसे बर्ड शॉप पे चलेंगे, वहाँ पे विजिट करेंगे, आपको मैं वहाँ के बर्ड्स दिखाऊंगा और जो उनका आना होगा तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी लेके दूंगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अभी हम इस वक्त चलते हैं भाई के शॉप पर। राम राम, क्या है भाई, ठीक है? राम मेरा भाई, आप ठीक है? ठीक है राम मेरा, शुक्र है भाई। बस भाई चक्कर लग गया, मैंने जब भाई की शॉप पे चलते हैं और धोते भी जाते हैं, माशा का शॉप तो भरी पड़ी है, ऐसा ना भाई? जी भाई। और भाई ये देखे काट जाए के तीन तोते हैं, ये पता नहीं है मेरे हैं तीन लगे, कन्फर्म कर दे मुझे। जी भाई, ये भाई जब तक भाई देखते हैं मैं आपको तोते दिखाता हूँ। माशा भाई आज दुकान खोलती हुई, आज तो मज़ा आएगा वीडियो बनाने में भी। ये देखें बजीज रबर्ड और डब डैमेडा भाई, डैमेडा ये देखें, ये तो बहुत भाई महंगा प्याज लगता है। ये देखें ये डब भी हैं पर भाई के पास, चलें भाई अब ये देख रहे हैं, ये पता चल जाए क्या है मेल का फीमेल का। भाई जो मेल होता है ना उसके परों में डार्ट्स नहीं होते, इसमें नहीं है जगह भाई, फीमेल लगती है, एक फीमेल लगती है और दो मेल का, हमें भी ऐसे लगता था। तो जगह एक फीमेल का दो मेल का, एक प्यार तो बनता है, दूसरे की तो फीमेल खरीदेंगे। और अभी आपको मैं ये बर्ड दिखा देता हूँ, बच्चे नहीं है अभी तक भाई, बच्चे भाई दिसंबर में आएंगे, दिसंबर के अंदर में होते हैं। जगह भाई के पास अभी बच्चे नहीं हैं और बाइक माशा बहुत से बैठे हुए हैं। अभी मैं सबसे पैग आपको दिखा देता हूँ, गगन किंग, बहुत देखे गगन किंग के पैग बैठे हुए हैं माशा का, गगन भी कितना गगन है और हाइट भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए बजेस बैठे हुए हैं, बजेस तो बहुत ज़्यादा ही बैठे हुए हैं। और ये डब बैठे हुए हैं ये देखें, और भाई ये ऊपर जो बैठे हुए हैं ये कौन से हैं ये देखें, ये ऊपर जो बैठे कौन से? इसको कहते हैं रंग ब्लू कलर के, इसको कहते हैं ब्लू रंग। जी भाई, और ये भी पड़ा हुआ है ये देखें, ये देखें भाई ये भी बैठा हुआ है माशा का, बहुत ही खूबसूरत है। और बाकी एक काकचक बैठे हुए हैं ये देखें, और वाइट काकचक भी बैठे हुए हैं ऊपर ये देखें, वाइट काकचक रेड आइज में। और ये देखे पिजन्स का पेयर बैठा हुआ है माशा कितना खूबसूरत है, एक गक्के कबूतर का है और एक दूसरा पता नहीं कौन सा शेगाजी का है मेरे ख्याल से। और ये डब बैठे हुए हैं ये देखें, इन्होंने ये देखे एक और भी बैठा हुआ है गक्के कबूतर का पेयर माशा का, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बैठे हुए हैं रबर्ड, ये देखे इतने सारे रबर्ड बैठे हुए हैं, बहुत सारे मिक्स बैठे हुए हैं ये देखें, आप देख सकते हैं। और ये बजीज बैठे हुए हैं फिर से साफ के साथ, और इनको देखे पता नहीं क्या हो गया, ये देखे इनके पंख होता ही क्या ऊपर से, और देखें। और फिंचेस की चाकि दो बैठे हुए हैं, बाकी डब बैठे हुए हैं, आज फिंचेस नहीं है बस। भाई ये काकचेक के ब्रीडर के पैर बैठे हुए हैं ये देखें, जी भाई वो देखे गगे भी बैठा हुआ है माशा का, से भाई ने दुकान को ना फोड़ किया हुआ है बर्ड से। बस बच्चे नहीं हैं क्योंकि भाई बता रहे हैं कि अभी बच्चों का सीज़न नहीं है, जब सीज़न आ जाएगा तो बच्चे भी आ जाएंगे। तो आज हमने विजिट किया है भाई की शॉप का, माशा का से बहुत ज़्यादा बर्ड बैठे हुए हैं, और हमारे बर्ड का भी कन्फर्म हो गया है कि दो मेघ हैं और एक तीन मेघ हैं। बाकी ठीक है भाई, शुक्रिया आपका भी बहुत ज़्यादा, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो चलते हैं भाई वापस।